हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर अनेकांत जी को। प्रोफेसर अनेकांत जी के बारे में भाई जीवेंद्र जी ने बताया ही था कि वो प्रोफेसर फूलचंद जी के पुत्र हैं, और बेटा हो तो कैसा हो, बाप से बढ़कर हो। हाँ, यही तो कहा है, पुत्र कहा है। हाँ हाँ यार, हाँ वही बात हम आगे कहने जा रहे हैं, वही कहने जा रहे हैं कि बेटा हो तो कैसा हो, बाप से बढ़कर हो, यही कह रहे हैं। और जो YouTube वगैरह देखते हैं, मेल देखते हैं, SMS वगैरह देखते हैं, हाँ, तो बराबर प्रोफेसर अनेकांत जी के व्याख्यानों को आप सुन सकते हैं। और इनकी विशेषता क्या है, ये ऐसे बेबाक बोलने वाले विद्वान हैं जिनको भय बिल्कुल नहीं है, चाहे जनसंख्या के विषय में लिखना हो, चाहे बड़े बाबा के बारे में लिखना हो, हैं, या और किसी के बारे में लिखना हो, इन्हें इनके ज्ञान में संज्ञान में ऐसा नहीं है कि इनके ज्ञान और संज्ञान में जो आया है वही लिख देना है, इसकी पुष्टि वो प्रमाणों से करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर वो अपनी लेखनी चलाते हैं और उस जो लेखनी से लिखा है उस स्क्रिप्ट को उसे अपने मुखारविंद से वचनों के माध्यम से सभी का विषय बनाते हैं। यही नहीं, इनके अनेक शताधिक आलेख भी हैं जो बिल्कुल ही मौलिक चिंतन है। हम संक्षेप में ज़्यादा ही कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी कई विशेषताएं हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि इस विषय में अपने विचार अव्यक्त करें। सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय। आदरणीय माँ श्री कौशल जी, अध्यक्ष महोदय, इस संगोष्ठी के संयोजक जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वद्गण एवं ऋषभांचल तीर्थक्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश इस विषय पर आज इस बड़ी स्वस्थ परिचर्चा का आयोजन किया गया है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, इससे हमारे ऊपर दबाव ज़्यादा नहीं है, हम बड़े रिलैक्स होकर सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। कभी कभी बहुत हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं तो ये रहता है कि उनके हिसाब से बात कहनी है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का जो महत्व है आज वर्तमान युग में इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये युग ही एनसाइक्लोपीडिया का है। आप देखें, चाहे आप ऑनलाइन सर्च करें, चाहे कहीं करें, मूल ग्रंथों को देखने की हिम्मत अब लोगों में बची नहीं, ना इतना समय है, कहीं कोई प्रामाणिक संदर्भ खोजना हो तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश उसको एक प्रामाणिक संदर्भ के रूप में गिना जाता है। हमारे गुरुजी ये समझाते थे कि अगर कोई प्रमाण कहीं नहीं मिल रहा है, उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है, और अगर जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में उसका रेफरेंस मिल रहा है, हम कहते थे गुरुजी ये ग्रंथ नहीं मिल रहा हमको लाइब्रेरी, तो कहते थे आप जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की पृष्ठ संख्या डाल दो वहाँ पर, तो वो वैसे ही प्रामाणिक माना जाता है जैसा मूल ग्रंथ है, इतना उसका सुव्यवस्थित संपादन है, इतनी प्रामाणिकता से उसकी प्रूफ रीडिंग है, इतना माने उसको वैलिडिटी प्राप्त है। और जैनों ही नहीं, अजैनों तक में इसकी बहुत ज़्यादा ख्याति है। और आप देखो, जैसे हमसे कहा जाए कि आप न्याय ग्रंथ का कोई संदर्भ दो, तो हम भी न्याय शास्त्र का जो इंसाइक्लोपीडिया बनाए वहाँ जाते हैं, हम कोई न्याय ग्रंथ पढ़ने नहीं जाते उन। तो इसी तरह अजैन लोगों में जो दर्शन क्षेत्र के विशेषकर लोग हैं, वो भी जब जैन दर्शन में कोई प्रमाण खोजने की कोशिश करते हैं तो वो लोग भी जैनेन्द्र सिद्धांत कोश को ही रिकमेंड करते हैं। और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश हम लोगों के लिए तो ऐसा हथियार बना हुआ है कि
उसकी कई प्रतियां हमें रखनी पड़ती है, एक घर में रखते हैं, एक ऑफिस में रखते हैं, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, अब लेके घूम तो सकते नहीं, इसलिए 2-3 प्रतियां अलग अलग जगह रखते हैं कि कहाँ उसको देखना पड़ जाए। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि जिस छेदीलाल जी के मंदिर में बैठकर पूज्य वर्णी जी इस तरह की साहित्य साधना करते थे, हम प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ उसी मंदिर में दर्शन करने जाते। मैं बहुत छोटा था और पूज्य वर्णी जी के चरणों का स्पर्श मैंने किया है, इस बात का मैं बहुत सौभाग्य अनुभव करता हूँ। वहाँ पर निरंतर वो साहित्य साधना करते थे और पिताजी के साथ चर्चा करते थे, और मैं देखता था कि इतने बड़े तपस्वी, इतने मनीषी विद्वान, लेकिन बच्चों के प्रति भी उनका वात्सल्य वैसा ही था। छेदीलाल जी के मंदिर में छत पर लोग पतंग उड़ाते थे तो कटकर आ जाती थी, तो वो घूमते हुए पतंग उठा करके अलमारी के ऊपर रख देते, और वो ये कहते थे कि अनेकांत आएगा तो मैं उसको ये पतंग दे दूंगा और वो उड़ाएगा और हम चर्चा कर लेंगे, नहीं तो वो बीच में डिस्टर्ब करता है। तो उनके मन में जो ये वात्सल्य भाव कि कोई बच्चा आ रहा है उसको देना है, तो इस तरह से उनका आशीर्वाद मुझे आरंभ से ही प्राप्त हुआ। हम तो बहुत अबोध थे, उनकी इस प्रज्ञा को उस समय नहीं समझते थे, ये जानते थे कि कोई ये तपस्वी हैं, इनको प्रणाम करना है, इतना ही आता था। लेकिन आज जब हम जैनन सिद्धांत कोश पढ़ते हैं तब उनकी महिमा हम लोगों को बहुत आती है कि अगर उन्होंने इस तरह का कार्य नहीं किया होता तो आज हमारी क्या स्थिति होती। आज जैन दर्शन को जो एक दिशा मिली है, जो जैन दर्शन को ऊंचाइयां मिल रही हैं, उसमें जैनन सिद्धांत कोश का अपूर्व योगदान। हम जब जैनन सिद्धांत कोश को पढ़ते हैं, जैसा कि आरंभ से चर्चा चली कि उसमें बहुत सारे शब्द हैं अभी रह गए, और मुझे लगता है जब का इसका प्रकाशन हुआ उसके बाद भी कई नए ग्रंथ प्रकाश में आए हैं, उन ग्रंथों का उपयोग उसमें नहीं हो पाया। जैसे कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं निरंतर अपडेट होती रहनी चाहिए, लेकिन अभी हम लोग इस स्थिति में नहीं आ पाते कि हमें अपडेट करते रहना चाहिए चीज़ों को। मैं ऋषभांचल और वहाँ के सभी पदाधिकारीगण से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब वो पीढ़ी आपके सामने आ रही है जिनको जैनन सिद्धांत कोश खोलने की भी फुर्सत नहीं। मैंने पहले कहा था हम लोग थे जो मूल ग्रंथ खोलने की फुर्सत नहीं थी, कोश से काम चला रहे थे, अब वो पीढ़ी आ रही है कि वो 4-5 भाग खरीद के रखना भी उनको मुसीबत लग रहा है। अब ये जो नया ट्रेंड चला है इसमें एक काम करना चाहिए कि इस जैनन सिद्धांत कोश को ऐसा डिजिटली तैयार करवा देना चाहिए कि कोई शब्द पर क्लिक करो तो उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाए। ऑनलाइन इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है और वो करते समय हम उसको अपडेट भी कर सकते। जैसे आजकल विकिपीडिया चलता है, कोई बोले ये शब्द है इसका ये अभी अर्थ है, और उसके एक संपादक मंडल हो, उस तक सूचना आए तो वो उसको देखे, अगर वो वैलिड है तो वो उसको अपडेट कर दे उसमें कि हाँ भाई ये बात भी होनी चाहिए। तो आप देखो धीरे धीरे वो अपडेट होता रहेगा और वो जैनन सिद्धांत कोश और अधिक समृद्ध होता चला जाएगा। जहाँ तक बात इसके कर्ता की, और जैसा मैंने इस पुस्तक को देख करके पढ़ा तो मुझे तो ये सब बातें पता ही नहीं थी। मैंने जब ये किताब पढ़ी तब मुझे पता चला कि इस तरह की भी बातें होती रही होंगी पहले, इस पुस्तक को देख करके समझ। तो मैंने ये विचार किया कि ये अक्सर होता है, एक जगह नहीं हर जगह होता है। जैसे संविधान की रचना की गई तो कोई बैठ के तो संविधान अकेला लिखता नहीं, एक आदमी के मैं संविधान लिख दिया, कोई ग्रंथ रचना तो है नहीं। तो संविधान की रचना तो सारे देशों के संविधान पहले पढ़े गए, उनमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे उपयोग की थी उनको ली गई, फिर संविधान का संकलन हुआ, उसका निर्माण हुआ, तो एक संविधान की एक सभा बनी, एक उसका एसोसिएशन बना कि ये संविधान दात्री सभा है, इसके इतने सदस्य हैं, और उसके जो मुख्य चेयरमैन पर्सन हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर क्या उसके संयोजक थे। तो वो जो
जो मुख्य उसका संयोजक होता है, जिसका संविधान की रचना हुई, उसके नाम से ही संविधान जाना जाता है। आप देखें, जैसे कोई जैन आयोग बना है, कोई कोठारी कमीशन बनता है, तो उसका जो मुख्य मुखिया होता है उसके नाम से ही वो चीज़ें चलती हैं। मोदी सरकार, अब इतने मंत्रिमंडल में लोग हैं, पूरी सरकार कायनात काम कर रही है, लेकिन मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो उनके ही नाम से सारी बात, जो मुखिया होता है मुख्य, उनके नाम से ही चीज़ें चलती। और मैं चूंकि जैन विश्व भारती संस्थान में रहा हूँ, मैंने वहाँ शोध कार्य किया है, तो मैंने वहाँ भी देखा कि जो 13 पंथ धर्म संघ है, वहाँ आगम संपादन का काम बहुत हुआ, जो श्वेतांबरों के आगम है उसका संपादन का काम हुआ, और पूरा संघ उसमें काम करता है। सारे मुनि, सारी साध्वियाँ, किसी एक के बस की बात नहीं है, सब काम करते हैं। लेकिन वो जितने शिष्य हैं वो सारे विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करते हैं कि इसमें नाम तो आचार्य जी का ही रहेगा। तो सारे जितने आगम ग्रंथ हैं उनमें वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रग, इतना ही लिखा रहता है उसमें, और संघ के लोगों के नाम उसमें नहीं रहते। वो कहते हैं हमारे गुरु हैं, हम उनको समर्पित कर रहे हैं, हमने सबने समवेत रूप से ये कार्य किया है, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं वो ही इसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, ऐसा उनका मंतव्य रहता है, ऐसा श्रद्धा रहती है। इस तरह से वो इस चीज़ को आगे लाते, और तभी चीज़ें प्रामाणिक भी बनती। और जो समवेत कार्य होते हैं, मैं थोड़ा और पीछे आपको ले चलता हूँ, जैसे आचार्य हेमचंद्र को कली काल सर्वज्ञ कहा जाता, उनके जो मैं ग्रंथ देखता हूँ 100, 200, 250, और एक विषय पे नहीं, साहित्य देख लो, दर्शन देख लो, न्याय देख लो, छंद देख लो, हर विषय पर उनके ग्रंथ। तो मुझे कभी कभी आज की स्थिति को देखकर पुरानी स्थिति की कल्पना करता हूँ कि अकेले आचार्य हेमचंद्र इतने ग्रंथों का प्रणयन एक ही मनुष्य भाव में और इतने विविध विषयों का कैसे कर गए। तो जब मैं आज की परंपरा देखता हूँ तो मुझे लगता है उनका भी एक पूरा संघ रहा होगा, शिष्य समुदाय रहा होगा, सब मिलकर उसको कार्य को करते रहे होंगे, और वो ये कहते होंगे कि भाई हमारे तो सब गुरु जी ही सबसे बड़े मुख्य हैं, वो ही हमारे मुखिया हैं, हम उनका ही नाम हर जगह रखेंगे। और उसी से उन ग्रंथों की प्रामाणिकता बनी और उसी से उनके प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न हुई, ग्रंथों के प्रति लोग। तो ये एक पुरानी परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। मुझे क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी के साथ कुछ और भी संयोग मेरे बने हैं, जैसे जो मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे शोध कार्य कराया, प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी, वो क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी के साक्षात शिष्य हैं। वो ये हमको बताते हैं कि मैं भी पानीपत में रहता था और वर्णी जी भी पानीपत के जो जैन मंदिर में विराजते थे। अच्छा, तो वो कहते थे कि वो वहाँ विराजते थे पानीपत के जैन मंदिर में, और मैं जैन मंदिर के बगल में ही रहता था, तो मैं वो मंदिर में खेलने जाता था, और मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो जो वर्णी जी हैं वो कहते थे तुम खेलते रहते हो, कुछ बैठ के पढ़ भी लिया करो। तो बोले आप क्या पढ़ाओगे, बोले मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ा सकता। तो वो संस्कृत पढ़ाएं, तो संस्कृत पढ़ाने के लिए उनको अपने पास बिठाया, और संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा तुम सर्वार सिद्धि पढ़ो, उससे तुम सब कुछ सीख जाओगे, दर्शन भी सीख जाओगे, संस्कृत भी सीख जाओगे, ऐसा हमारे गुरुजी हमको बताते। बोले उन्होंने मुझे सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाई। मेरे गुरुजी एक ब्राह्मण विद्वान हैं, और वो ये कहते थे मुझे जैन दर्शन में प्रवेश कराने का पूरा श्रेय जाता है क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी को, उन्होंने मुझे संस्कृत भी सिखाई, और वो जो सर्वार्थ सिद्धि उन्होंने पढ़ाई उसका ही प्रतिफल था कि जब मैंने संस्कृत से एमए किया, उसके बाद पीएचडी की, तो मैंने जैन एथिक्स में पीएचडी की, किसी और विषय में नहीं की। और आज वो जब अध्ययन करते हैं तो उनकी टेबल पर क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी का चित्र रखा रहता है, कहते हैं मेरे ये प्रथम गुरु जी हैं इनका। और वो ये बात भी बोलते हैं कि उन जैसा निष्प्रह संत मैंने नहीं देखा आज तक। ये बात भी वो बोलते, मैंने बहुत संतों के दर्शन किए लेकिन उन जैसा निष्प्रह संत मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, जैसा कुछ उल्लेख प्रोफेसर वीर सागर जी ने भी किया है, तो मैं यहाँ के पदाधिकारी गणों से ये निवेदन करना चाहता हूँ
कि आपने जो इसका प्राकथन लिखा है वो थोड़ा नकारात्मक भाषा में लिखा, उसको थोड़ा और व्यवस्थित लिखा जा सकता है, चूंकि ये आपके ही नाम से लिखा है पदाधिकारी गणों के। और एक दो पंक्ति में इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं आजकल इसी विषय पर काम कर रहा हूँ कि हमें शब्द चयन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, इससे पूरी हमारी विरासत जुड़ी हुई। आपको अभी वीर सागर जी और हम दोनों आ रहे थे, हमने टैक्सी वाले को कहा कि हमें ऋषभांचल जाना है, बोले हम नहीं जानते। हमने कहा जैन मंदिर जाना है, बोले हमें नहीं मालूम जैन मंदिर कहाँ है। तो एक ने कहा वो शंख वाले मंदिर जाना, तो बोले अच्छा ठीक है। फिर भी वो आया, लेके आया, हमने कहा ये जैन मंदिर है उतार दो, तो कह रहे जैन मंदिर कहाँ है, तो बौद्ध मंदिर है। एक सामान्य टैक्सी वाला जो रात दिन यहाँ चलाता है, तो मैंने आदरणीय वीर सागर जी से कहा कि यहाँ जो बाहर ऋषभांचल लिखा है ना, और ऋषभांचल पब्लिक स्कूल, हमेशा हमें जैन शब्द हर जगह डाल के रखना चाहिए, ऋषभांचल जैन पब्लिक स्कूल नाम रखें। मैंने आप समझो, जो शब्द हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, हम सोचते हैं हमें अर्थ मालूम है, लेकिन आम लोगों को उन चीज़ों का पता नहीं होता है। अहिंसा स्थल के पास खड़े होकर के आप पूछिए आसपास वालों से, वहाँ साफ लिखा हुआ है भगवान महावीर अहिंसा स्थल, इतनी बड़ी, आधे से अधिक लोग कहते हैं ये तो बुद्ध की प्रतिमा है, तो बुद्ध हैं। इतनी अज्ञानता लोगों के अंदर बैठी हुई है, तो हमें कई चीज़ों को खुद सुरक्षित रखना पड़ता। आप देखो, मान लीजिए हमारे आपके कुछ राग द्वेष कहीं से हो गए, मैंने आपको चिट्ठियाँ लिख दी, आपने हमें लिख दी, अब वो तो ठीक है, और बाद में हमने 50 साल बाद उन चिट्ठियों को प्रकाशित कर दिया, वो तो इतिहास बन गई। और हमारे जो तत्कालीन कषाय थी, या हमने आसपास आपस में कुछ कह दिया था, वो स्थायी हो गई, लोगों के लिए उद्धरण हो गई। अब देखिए, मैं आपको कहता हूँ, सबसे शुरुआत ही जो इसकी हुई, इसमें स्वतंत्र रूप से आगमोक्त वस्तु स्वरूप का निरूपण नहीं किया गया है, ये इससे प्रारंभ किया गया इसको, जैनन सिद्धांत को। उसके बारे में मैंने, इसको कुछ और शब्दों में भी कहा जा सकता था इस बात को, कि ये कोई आगम ग्रंथ तो है नहीं जो आचार्यों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये एक बार में पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें आगमोक्त वस्तु स्वरूप का निरूपण नहीं है, ऐसा पहली बार पढ़ने से भाषित होता है। दूसरा, इसमें चारों अनियोगों में से किसी भी अनियोग का ग्रंथ नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उसको डिमेरिट किया जा रहा है, माने जैनन सिद्धांत कोश को। आप उसमें इसकी जगह ये कह सकते थे, इसमें चारों ही अनियोगों की विषय वस्तु मौजूद है। अब देखिए, दोनों बातें बराबर हैं, लेकिन एक सकारात्मक दिख रहा है, एक नकारात्मक दिख रहा है। आप ये कह सकते थे किसी एक अनियोग का नहीं, माने चारों अनियोगों की विषय वस्तु उसमें मौजूद है। और भी एक दो बातें, चूंकि समीक्षा की चर्चा चल रही है, एक तो उन्होंने जो बात कही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, मैं तो द्वंद्वग्रस्त, कर्तव्य भ्रष्ट, वासनाग्रस्त था। मैंने एक व्यक्ति अपने बारे में इस तरह से कह रहा, आप समझ रहे हैं आज एक एक शब्द को लोग पकड़ते हैं। मैं कहता हूं, कभी कभी होता है मैं प्रवचन करने जाता हूँ तो मैं विनम्रता में भी ये बात कह देता हूँ, मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मुझे, मैं अज्ञानी हूँ, फिर भी कुछ कह रहा हूँ। तो कोई खड़ा हो गया, जब आपको ज्ञान नहीं है तो गद्दी पे कैसे बैठ गए, आप कैसे बोल रहे हो। अरे, विनम्रता में भी कई बातें कही जाती हैं, और आप उसको पत्थर की लकीर मान करके अगर उसको व्यक्त कर दोगे और बाद में उसको उद्धृत करते फिरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। फिर मैं वहाँ ये कहूँ नहीं मेरे से बड़ा पंडित कोई नहीं है, तब मेरी बात सुनोगे, ऐसे नहीं होता है। हमेशा व्यक्ति अपनी अपनी उसको, माने वो अपनी ईमानदारी को व्यक्त करता है, लेकिन जब हम उसको प्रकाशित करके सार्वजनिक करते हैं तो बहुत, आप देखिए अब यहाँ पर लग रहा है जैसे हम छुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी को डिमेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भले ही उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन फिर भी हमको लिखनी नहीं चाहिए, मैं तो द्वंद्वग्रस्त हूँ, कर्तव्य भ्रष्ट, वासनाग्रस्त। वासना शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो किस अर्थ में वासना कह रहे हैं और हम किस अर्थ में ले रहे हैं, इन बातों पर बहुत गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए। एक तो बातें और, जैसे राजेंद्र जैन मेरठ वालों ने भी लिखी हैं, इसमें मैं कुछ ही चीज़ें देख पाया। देखिए, देखिए मैं, ये प्रकाशित है और हमको दिया गया है, ठीक है, मैं वो बात कह रहा हूँ, और ये एक कॉपी नहीं छपी होगी इसकी। अब देखो, आप बता रहा हूँ,
मुझे पता चला कि पद की गरिमा के अनुरूप वो दैनिकचर्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें रात दिन की कोई परहेज नहीं रह गया है। आप देखिए, किसी भी तपस्वी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जिनकी गरिमा है, जिनके कारण चीज़ों की प्रामाणिकता नज़र आ रही है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी चीज़ों का भी उपगूहन करें, नहीं तो आगे हम किस दिशा में चले जाएंगे, हमारी चीज़ों की क्या प्रामाणिकता रह जाएगी फिर आगे जाकर। इस पर भी हमको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुत समय हो गया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। अपने विचारों को यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक आपके सामने रखा, उन्हें धन्यवाद है। अब आगे वक्ता के रूप में